11 75 मीवी का होगा गोलाकार सूर्य अभिषेक और दोपहर के 12 बजे सूर्य किरणों रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। 4 मिनट तक किरणें रामलला के मुखमंडल को प्रकाशित करेंगी और रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान के वैज्ञानिक लगाए हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर के भूतल पर 2 मिरर एक लेंस लगाए जा चुके हैं। सूर्य की रोशनी तीसरे तल पर लगे दर्पण पर गिरेगी और 3 लेंस 2 दर्पणों से होते हुए भूतल पर आखिरी दर्पण पर पड़ेगी और इससे परावर्तित होने वाली किरणों से मस्तक पर बनेगा तिलक। देखिए बताया जा रहा है कि 3 लेंस 2 दर्पणों से होते हुए भूतल पर आखिरी दर्पण पर ये पड़ेगी और इससे परावर्तित होने वाली किरणों से मस्तक पर तिलक बनेगा। तो अयोध्या से ये बड़ी खबर है जहां पर राम नवमी पर 4 मिनट होगा रामलला का सूर्य तिलक। कहा जा रहा है कि आयोजन की तैयारी पूरे देश भर के कई वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं। राम मंदिर में लगाए जा रहे हैं उपकरण, जल्द होगा इसका ट्रायल। होगा गोलाकार सूर्य अभिषेक रामनवमी पर दोपहर के 12 बजे सूर्य किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। किरणें रामलला के मुखमंडल को प्रकाशित करेंगी। तो रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान के वैज्ञानिक लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि रामनवमी के दिन मस्तक पर रामलला के सूर्य की किरणें पड़ेंगी और मंदिर के भूतल पर 2 दर्पण लगाए गए हैं। सूर्य की रोशनी तीसरे तल पर लगे दर्पण पर भी गिरेगी। तो तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं रामनवमी को लेकर और देखिए कहा जा रहा है कि देश भर के कई वैज्ञानिक इस पर लगे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब देखिए कहा जा रहा है कि रामनवमी पर रामलला पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं इसको लेकर? देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है जो कि कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि 500 साल बाद रामलला का मंदिर बनकर तैयार है और वहां पर रामलला की तैयारियां की जा रही हैं रामनवमी की। और जगह जगह पर जो है वो इस बार सूर्य की रश्मियों से रामलला का अभिषेक करने का तैयारी हो रही है, उसमें कई वैज्ञानिक लगे हैं। सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रामलला के मुख पर पड़ेंगी, उसके लिए दर्पण वगैरह लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से सूर्य का प्रकाश उनके चेहरे पर पड़े। तो ये सारी की सारी तैयारियां की जा रही हैं और जो इस बार की रामनवमी होने वाली है वो अयोध्या में भव्य और दिव्य होने वाली है और आने वाले समय में इस तरह की तैयारियां की जाएंगी और हो सकता है कि कई राजनेता भी वहां पर इस मौके पर पहुंचे। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए रामनवमी पर रामलला के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि मस्तक पर इस बार सूर्य का किरण पड़ेगा जिसके लिए देश भर के कई वैज्ञानिक इस तैयारी में जुट गए हैं। रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान के वैज्ञानिक लगाए गए हैं। तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं रामनवमी को लेकर। मंदिर के भूतल पर 2 मिरर एक लेंस लगाए जा चुके हैं तो सूर्य की रोशनी तीसरे तल पर लगे दर्पण पर गिरेगी। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग कराई गई है, कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि जिसमें कई बड़े चेहरे बीजेपी में